क्या बात है आपकी चाय की लाली भाई, ऐसा मजा कहाँ मिलता है। आप तो वर्ल्ड कंपटीशन भी जीत सकते हैं। सीरियसली, जादू है आपके हाथों में। अरे साहिल भैया, जादू तो बहू के हाथों में होता है सिर्फ। पर लाली भाई, आप किसी की बहू कैसे हो सकते हैं। अरे मैंने तो इश्तिहार की बात की थी, आप तो साहिल भैया बात पकड़ लेते हो। चले ऐसी खुशी में एक कप चाय और पिला दें। हाँ हाँ जरूर, पर किस खुशी में। यही कि आप किसी की। आप भी साहिल भाई, बस कोई मौका जाने नहीं देते हो। जरा ये मुझे एड्रेस समझा देंगे, मुझे आइडिया नहीं है इस जगह का बिल्कुल भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो पूरा इलाका मेरा रहता हुआ है। लेकिन एक मिनट, ठंड बहुत है, आप एक कप चाय पी लें, लगता है बहुत दूर से आ रही है। नहीं भैया अभी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। इस चाय को इनकार मत कीजिए वरना बहुत नुकसान उठाएंगे। कैसा नुकसान। आप एक घूट पीकर तो देखें, लाली भाई की चाय यहाँ बहुत मशहूर है, लोग दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना। मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया और ना ही मैं अजनबी को अपना नाम बताती हूँ। अरे इसको छोड़ें बेटा, आप ऐसा करें मेरी दरख्वास्त पर चाय पी ले। अब मेहमान है आप हमारी, बैठे चाय भी लेके आता हूँ और एड्रेस भी बताता हूँ आपको। जी फिकर करने की जरूरत ही नहीं है, जोया पहुंच गई है। हाँ हाँ इमरान उसे खुद लेने गए हैं, जैसे ही आती है ना मैं आपकी बात करवाती हूँ। आप फिकर मत करें, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा आपका जोया से। अच्छा नानी ठीक है, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, आप बस परेशान मत हो। ठीक है मैं फिर आपको कॉल करती हूँ। इमरान कहाँ रह गए, अभी तक लेकर नहीं आए जोया। हेलो, हाँ इमरान किधर रह गए आप, जोया किधर है। क्या मतलब है, आपको मैंने बोला था कि जोया को लेकर आना है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता, पता करे कहाँ है वो। देखा मैंने कहा था ना चाय पीने फायदे में रहेंगी। लगता है आपको दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने का बहुत शौक है। अपने काम से काम रखिए, आपके लिए भी काफी बेहतर होगा। चलें ये तो अच्छी बात है ना कि आपको मेरी फिक्र होना शुरू हो गई है, इसी बहाने हमारी अजनबियत की दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। अरे लाली भाई चाय वाकई बहुत अच्छी थी। आपको कुछ एड्रेस समझ आया। नहीं। क्या मतलब, इंग्लिश में लिखा है ना। तो फिर ये साहिल भाई है ना, ये पढ़ के बताएंगे। लाए मैं पढ़ के बताता हूँ। इधर दे मुझे, इधर दे। कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़वाने की, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। आपकी चाय का शुक्रिया। इतनी जिद भी अच्छी नहीं है, अगर आप यहाँ पहली बार आई हैं तो ये रास्ता ढूंढना आपके लिए आसान नहीं है। मैं खुद ढूंढ लूंगी। अच्छा और अगर ढूंढ ना सकी तो मेरा नाम भी जोया नहीं। अरे बेटा बात तो सुनो। जाने दे लाली भाई, जाने दे, निकी का तो जमाने नहीं रहा आजकल। मुझे तो
उसकी परेशानी का ख्याल आ रहा है। इतना अच्छा नाम था जोया। क्या क्या नाम बताया आपने? जोया। अरे बाप रे, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है इमरान। अकेली लड़की अनजान इस शहर में, आप कैसे उसे पिक करना भूल गए? अरे बता तो रहा हूँ, पिक करना नहीं भूला हूँ यार, मुझे याद था, मुझे बस ऑफिस में। आज के दिन जोया को पिक करने से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। आपको पता है वो पहली बार ट्रेवल कर रही है, इतनी दूर से उसने ट्रेवल सिर्फ मेरी खातिर की है। आपको इस बात तक का एहसास नहीं था? फिर वही बात भाई, एहसास था मुझे। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं कराची में सब बहुत परेशान है, बार बार कॉल करके पूछ रहे। मैंने तो उन्हें झूठ बोल दिया कि आप उसे लेने गए, नंबर तक बन जा रहा है उसका। देखो तुम बिला वजह में इतनी इमोशनल हो रही हो यार, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अनजान शहर, अकेली जवान लड़की, मुझे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे इमरान, खुदा ना करे कि। अरे चुप, क्या अपनी बोलती जाओगी, मेरी नहीं सुनोगी तुम? मैंने भेजा है साहिल को उसको लेने यार, अकेली नहीं है वो। बदतमीजी की वजह लगता है आप दुनिया के सबसे फारिग तरीन इंसान हैं। बदतमीज तो खैर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी दूसरी बात फिर भी ठीक है। आपको पता है आपकी वजह से मैंने आधा दिन अपना जाया किया है, पूरे वक्त मैं आपका वहां बैठ के वेट करता रहा। चलिए आइए बैठिए, मैं आपको पिक करने के लिए आया था। आप मुझे पिक करने आए थे? यहाँ पे चलती हुई हर लड़की को मंजिल में पहुंचाने तक का ठेका लिया हुआ आपने? बहुत बेइज्जती हो गई साहिल साहब। जोया, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप गाड़ी में आके बैठिए, मुझे इमरान ने भेजा आपको लेने के लिए। इमरान और सबा को तो जानती है ना आप? तो ये बात आप पहले नहीं मुझे बता सकते थे? मौका ही नहीं दिया आपने, अब तो हो गई ना तसल्ली। खैर आइए जल्दी बैठिए, यहाँ पे काफी मोटे तगड़े जानवर हैं और जहरीले कीड़े तो यहाँ पे काफी कॉमन है। अच्छा बस बस, सामान गाड़ी में रखते हैं। आपको पता आपके आने का काफी शोर मचा हुआ था, इमरान बता रहा था कि सबा और आप काफी पुरानी दोस्त हैं। इमरान और मैं भी बचपन के दोस्त हैं, वो तो इत्तेफाक था कि मैं उसकी शादी पे मुल्क से बाहर था, वरना हमारी पहली मुलाकात हो चुकी होती और ये जो कंफ्यूजन है ये ना होती। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, आप प्लीज जरा जल्दी चला लें और मुझे सबा की तरफ पहुंचा दें, तो आपकी जीप इतनी स्लो है, ऊपर से ये रास्ता। ना तो मेरी जीप स्लो है और ना ही ये रास्ता इतना खराब है, आपको ज्यादा फील कर रही है। मुझसे बातें करते हुए जाएंगी तो रास्ता आराम से कट जाएगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि साहिल साहब प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप गाड़ी चला। खुदा की पनाह सबा, अगर मुझे पता होता ना कि मुझे इतना ख्वार होना यहाँ आकर, तो मैं कभी भी ना आती। मतलब अनजान शहर, रास्तों का नहीं पता और फिर ये। अच्छा सॉरी जोया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इतना कि मैं इमरान से बहुत ज्यादा लड़ी हूँ, सारा कसूर इन्हीं का है। अरे मेरा कहाँ से कसूर है यार, मैंने तो सुबह ही साहिल को बोल दिया था, इनफैक्ट ये तो जल्दी पहुंच भी गया था, पूछो उससे। तुम्हें पता है मैं लाली भाई की चाय के 5 कप पी गया सिर्फ इनके इंतजार में। लगता है आपको चाय पीने की ना लत लगी होगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान कोई 5 कप चाय नहीं पी सकता, लेकिन लाली भाई की चाय पी सकता है। वैसे बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी तो आपस में शर्त भी लगती थी कि कौन कितनी जल्दी चाय खत्म करेगा। और आपको पता है हमेशा शर्त कौन जीतता है? मैं, ये रिकॉर्ड है मेरा। बेकार और फारिग लोग ऐसे रिकॉर्ड बना सकते हैं, और तो कुछ है नहीं बस में। ये मुझे दूसरी बार फारिग होने का ताना दिया जा रहा है, वो भी मुंह पर। मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज जोया, प्लीज नानी को कॉल करो, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। लो मेरे नंबर से कर लो, अंदर जाओ, जाकर फ्रेश भी हो जाओ। तुम्हें पता है जोया, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते इस बात का। थैंक्स टू नाना जिन्होंने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दे दी। नाना बेचारे कुछ कहते ही नहीं है,
असल हुक्म तो नानी का चलता है घर पे। तुम्हें तो पता है अम्मा और नाना वही करते हैं जो नानी कहती हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार कि इस दुनिया में तुम्हें कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। पता है आज कितना परेशान थी वो तुम्हारे लिए। वाह प्लीज आज का दिन याद मत दिलाओ यार। और इमरान भाई के कैसे अजीब फजूल किस्म के दोस्त हैं, तुम बर्दाश्त कैसे कर लेती हो? ऐसे तुम्हें फजूल किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। साहिल तो बहुत अच्छा लड़का है, इज सो टैलेंटेड, हमदर्द, सबसे मिलने जुलने वाला एक बेहतरीन इंसान है वो। हो सकता है, लेकिन सब यार मैं बहुत थक गई हूँ इस वक्त, मुझे उस शख्स की तारीफें नहीं सुननी। अच्छा चलो देखते हैं कि साहिल के बारे में तुम्हारा ख्याल कब बदलता है। अच्छा चलो अंदर चल के आराम करते हैं। तुम जाओ, मैं इस मौसम को एंजॉय करना चाहती हूँ। आ रही हूँ। चलो आ जाना अंदर। उठ गई तो मुझे तो लगा था कि पता नहीं कब जागोगी। हाँ यार बहुत सोई मैं, सारी थकन दूर हो गई। इमरान भाई कहाँ? इमरान तो ऑफिस चले गए। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। पता क्या, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जरा करीब का ना चक्कर लगा के आती हूँ। ऐसे कैसे अकेली जाओगी? मैं काम खत्म कर लूँ, दोनों साथ चलेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रुको, मैं जरा एक खूबसूरत जगह को देखना चाहती हूँ। फिक्र नहीं करो, आ जाऊंगी जल्दी वापस। कुछ पता नहीं चलता तुम्हारा, जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी मदद कर लूँ शॉपर से उठा लूँ। So sweet of you, बेटा, मैं कर लूंगी, तुम्हें तकलीफ होगी? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी आंटी, प्लीज प्लीज। Are you sure? Yes yes of course। अरे बेटा थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताएं आपका घर कहाँ है ताकि मैं वहाँ तक ड्रॉप कर। बस यही सामने थोड़ी दूर। चल थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। भाई जोया तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत आसानी हुई, वरना हर रोज ये सारा सामान मैं खुद उठा के लाती हूँ। आंटी आप ये काम क्यों करती हैं, घर में कोई है नहीं हेल्प कराने के लिए? मेरा बेटा भी बहुत नाराज होता है मुझसे, लेकिन क्या करूं, हर रोज बैठे बैठे बोर हो जाती हूं। बाहर निकलती हूं, चीजें नजर आती हैं, अच्छा लगता है उठा के ले आती हूं और फिर कुकिंग करती हूं। समझ लो मेरी हॉबी है ये। तो लांगे अपना ख्याल रखें, मैं चलती हूं, सबा इंतजार कर रही होगी। सोया तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। आंटी कोई तकल्लुफ नहीं है, बड़ों से बहस नहीं करते, जाओ लॉन्ग से जाओ, मैं अभी आती हूँ। आंटी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। मैं प्लीज मैं कर लूंगी, जाओ शाबाश। ये लो चाय गर्मा गरम। ये सब तस्वीरें मेरे बेटे की खींची हुई हैं, बड़ा अच्छा फोटोग्राफर है और ये इसका प्रोफेशन भी है। बहुत शानदार है, हर पिक्चर में ना परफेक्शन है, अमेजिंग। बस मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, तुम खुद मिलोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा। आई एम श्योर, अगर आप इतनी अच्छी है तो आपका बेटा कितना अच्छा होगा। अच्छा
चलो मान लेती हूँ। तुम तस्वीरें देखो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा साहिल प्लीज जरा देखना, जोया सुबह वॉक के लिए गई थी, अभी तक आई नहीं है। अरे तो इसमें टेंशन की क्या जरूरत है, तुम उसको कॉल कर लो। मोबाइल भी तो घर छोड़ कर गई है ना, प्लीज तुम उसे जाकर देख लो, कहीं खो ना जाए वो। बेफिक्र रहो, तुम्हारी दोस्त कहीं खोने वाली नहीं है। साहिल जोया यहाँ पर अजनबी है, उसे यहाँ के रास्तों का बिल्कुल इल्म नहीं है, प्लीज उसे जाकर देख लो। अरे कुछ नहीं होता, आ जाएगी वो, थोड़ा वेट कर लो। सबा तुम परेशान मत हो, जोया मिल गई है, फिक्र मत करो। आप यहाँ भी आ गए, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सबा ने आपको भेजा मुझे ढूंढने के लिए। वैसे बात तो ये काफी हद तक ठीक है, मुझे तो अभी पता चला कि आप गुमशुदा हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि आप मुझे खुद ही मिल गई, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। वेरी फनी, लेकिन इस तरह किसी के भी घर में गेट खुला देखकर अंदर घुस जाना बदअखलाकी होती है। किसी का भी घर? जी। आप मुझे बता सकती हैं ये घर किसका है? बताइए ना। अरे बेटा तुम आ गए, आज तो तुम सुबह ही सुबह चले गए थे। बेटा? जी बेटा, ये मेरी अम्मी है। पता है साहब, अभी हम तुम्हारे जिक्र कर रहे थे, जोया को तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। चले कुछ तो पसंद आया इन्हें, मेरा काम ही सही। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जोया के आने से कितनी रौनक सी हो गई है ना, क्यों साहब? जी अम्मी ऐसा ही है। बस जोया अब तुम्हें हर रोज आना होगा, बल्कि साहिल तुम्हें लेने जाया करेगा रोजाना। नहीं इन्हें तकलीफ ना दे, मैं खुद आ जाया करूंगी। तकलीफ कैसी, दिन भर तो मारा मारा फिरता है तस्वीरों के पीछे, तब तकलीफ नहीं होती इसको। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ। लेकिन आंटी मैं फिर आऊंगी ना, लंच भी तो करना है आपके साथ। अच्छा तुम्हें साहिल छोड़ आएगा? नहीं आंटी मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं भाई, शाम हो गई और रास्ते भी नए हैं तुम्हारे लिए, साहिल तुम्हारे साथ होगा तो मुझे इत्मीनान होगा। जाओ साहिल छोड़ आओ। आपकी फोटोग्राफ्स बहुत जबरदस्त है, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। रश का आ रहा था मुझे, नई जगहें नई लोगों को एक्सप्लोर करना, आप बहुत लकी हैं। अच्छा आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। क्यों आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हर किसी का अलग तसव्वुर होता है, जिस तरह आपको लगता है कि मैं लकी हूँ ऐसा मेरी अम्मी को नहीं लगता। क्यों उनको ऐसा क्यों नहीं लगता? वो इसलिए कि खैर छोड़ें, जाने दें, फिर कभी सही। आप बताइए आपको यहाँ सब कुछ कैसा लगा कल की मुलाकात को छोड़कर? गलती मेरी थी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई। एनीवेज आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई कल। अरे सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है, अब तो अच्छी बात है ना, हमारी दोस्ती भी होती चली जा रही है। आराम से सुनो आपको लगी तो नहीं? नहीं काफी रात हो गई है ना, घर चले है ना। हमने तो यूं ही
आजकल के जमाने में जोया जैसी लड़कियां कम ही नजर आती हैं। इतनी हमदर्द, बड़ों का अदब करने वाली, खुश शक्ल, कितनी प्यारी है। सबा की बचपन की दोस्त है, खानदान भी अच्छा है। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी, सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसी लगी? तुम्हें भी अच्छी लगी है, मैं जानती हूँ। आखिर माँ हूँ ना, बेटे के दिल का हाल तो जानूंगी। अम्मी कैसी बातें कह रही हैं? जोया अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, इतने अरसे के बाद तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। तुम्हें वैसे जोया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, अब मान भी जाओ। अम्मी ऐसा नहीं है, आप तो बस बात को आगे बढ़ाई चली जा रही हैं। बात तो बढ़ गई है, वैसे मैंने तुम्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। जाओ जरा अपनी शक्ल तो देखो आईने में, सारे दिल का हाल तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। अम्मी बस भी करें, मैं तो कल ही सभा से बात करूंगी कि जोया के घर वालों से बात करें। अरे ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ा वेट कर लें आप प्लीज। किसी से कोई बात नहीं करेंगी अभी। चलो रुक जाती हूँ एक दो दिन, बस तुमने पहली बार इनकार नहीं किया, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा मुझे काम करने दे प्लीज। बिन कहे सुनो यारा, हमने तो यूं ही दिल हारा। आ तो घर आ जाओ ना यार, घर आने के लिए भी क्या मुझसे इजाजत लोगे तुम? क्या हो गया? आ जाओ जल्दी, आ जाओ फिर। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। साहिल था? हाँ आ रहे थोड़ी देर। खैरियत है? आजकल साहिल बहुत आना जाना शुरू हो गया, पहले तो कई कई दिन गुजर जाते थे इसका कुछ पता नहीं होता था। क्या मतलब? कुछ नहीं, एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है तो वो चाह रहे थे कि जरा फोटोग्राफी के लिए बाहर निकले। मैंने कहा आ जाए तो फिर करते हैं कुछ प्लान। जी नानी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अगर आप साथ आती ना तो बहुत अच्छा लगता। जी जी सब और इमरान भाई मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अच्छा नानी प्लीज मुझे कुछ दिन और रहने दे यहाँ पे, प्लीज अम्मी से कहे ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा चले सबको सलाम देगा मेरा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज़। मैं इमरान से मिलने के लिए आया था, वो घर पर ही है ना? जी वो इमरान भाई थोड़ी देर पहले ही आए हैं। आंटी कैसी हैं? आंटी अच्छी हैं। आपका पूछ रही थी वो, आप घर पे चक्कर लगाइएगा। जरूर आऊंगी, मैं इमरान भाई को बुला के आती हूँ। वैसे इमरान मैं सोच रहा हूँ हम चारों साथ ही चलते हैं, थोड़ी देर में तो वापस आ जाएंगे। नहीं यार तुम दोनों जाओ, अच्छा है जोया भी थोड़ा घूम लेगी। जोया ने तो तुम्हारी इतनी तारीफें की हैं कि पहली बार मैं भी तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ। आई मीन तुम्हारी फोटोग्राफी के बारे में, किसी दिन मैं भी चक्कर लगाऊंगी। जी भाभी आप जरूर आइएगा, जब चाहे आ सकती हैं। जाओ ना जोया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जा भी चुको चले। क्या बात है जोया, क्यों कंफ्यूज हो रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों कंफ्यूज होंगी? चले। जी चले लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। Obviously. चलो इमरान मिलते हैं। ऑलराइट सी यू।
जो मैं फील कर रही हूँ इमरान, क्या वो सच है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। देखते हैं लव स्टोरी में अब आगे क्या होता है। परचू सेट होता है। ऐसा नशा घूमे था, हाय मदहोश हम हुए, तुझे छूले बिन छुए, प्यास बुझे बिन पिए। अब मैं बाद में खींच लूंगी। सोया, पता है ये पहाड़ गर्मियों में अलग ही नजर आते हैं, और फिर यहाँ पे सिर्फ बारिशें होती हैं, बादलों का धुआं, क्या समा होता है। अब मैं इतनी दूर से ये थोड़ी देखने आऊंगी भला, नानी ने इतनी मुश्किलों से जाकर दी है, बार बार थोड़ी भेजेंगी मुझे। लेकिन मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगले समर्स में भी आप यहीं पे होंगी, और मैं आपको खुद यहां पे लेके आऊंगा। ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, वो काफी देर हो गई है ना, चलते हैं। बिन कहे सुनो यारा। बस अब जोया के घर वालों से बात करना तुम्हारी जिम्मेदारी है सबा। देखो, बस मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए, तभी तो दौड़ी भागी चली है जब तुमने बताया फोन पे कि घर पे नहीं है ये लोग। एक मिनट, अब नहीं, वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपकी क्या साहिल से इस बारे में कोई बात हुई है? क्योंकि मेरी तो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई सर। उन दोनों से पूछने की जरूरत ही क्या है, साफ नजर आता है एक दूसरे को पसंद करते हैं। सबा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, साहिल को इससे पहले मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। वो जोया को पसंद नहीं करता, मोहब्बत करने लगा है उससे। तो बस आंटी, फिर आप परेशान मत हो, मैं आज ही नानी को कॉल करके इस रिश्ते की बात करती हूँ, बल्कि आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए। नहीं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बस दुआ करो कि ये सब कुछ खैरियत से हो जाए। आमीन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे बात करके मुझे बहुत इत्मीनान हो गया, और हाँ, कल का खाना हमारे साथ खाना तुम दोनों। जोया, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह नहीं पूछेंगे आप? कभी कभी इंसान बेवजह खुश हो जाता है, मगर आप तो हमेशा ही खुश होते हैं। हमेशा तो नहीं, लेकिन जब से आपके साथ हो, जब से आपके साथ हो तब से। जोया, आप मेरा साथ देंगी ना?
मैं हमेशा के लिए खुश रहना चाहता हूँ आपके साथ। आप मेरा साथ देंगी ना? बिन कहे सुनो तुझे पालेंगे, छू कर देखूं तो दिल को यकीन हो यारा, बिन कहे चले सुनो हो यारा चले। नानी ने तुम्हें वापस बुलाया, वो भी आज ही। आज तुम्हें जाना होगा। मुझे तो शिद्दत से इंतजार है कि जोया कब इस घर में आएगी। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जोया जैसी तो कोई भी नहीं है। वो तो बस एक है, वन एंड ओनली। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। और हाँ, सबा कह रही थी कि मैं आज उसकी नानी से बात करूंगी, बस जैसी वो बात करती है मैं कराची पहुंच जाऊंगी तारीखें लेने के लिए। वैसे अम्मी आपको क्या लगता है, जोया के घर वाले मान जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं मानेंगे, इतना खूबसूरत दामाद उनको कहीं मिलेगा। सलाम अलैकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम सबा, कैसे हो बेटा? ठीक हो? कैसे हो बेटा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबा मैं साहिल से गई थी, मुझे सबा ये घर ले जाओ, और देखो तुम आ गई। कितनी अच्छी बात हुई है। क्या हुआ, खैरियत तो है? इमरान जोया नहीं आई? जोया वापस कराची चली गई। क्या वापस चली गई? जोया की नानी। घर में इन्हीं का हुक्म चलता है, इनके बहुत सारे उसूल और कायदे हैं जिन्हें घर में सबको मानना होता है। जोया की अम्मी बुशरा नर्म मिजाज सादा तबीयत खातून हैं, जो नानी की हर बात मानती हैं। जोया के नाना म्यूजिक के दिल दादा तबीयत में काफी शोखी है, मगर बेगम के आगे सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये हैं नसीर, जोया के मामा, जोया की अम्मी से कुछ ही बड़े हैं, माँ और बीवी दोनों से डरते हैं। निगहत उर्फ निग्गो सफीर की बीवी हैं, घर में हर वक्त तैयार होकर घूमती हैं और जब देखो किसी न किसी प्लानिंग में मसरूफ रहती हैं। ये है नादिया, निगो और सफीर की बेटी, जोया की हम उम्र है और हमेशा अपने मोबाइल पर कुछ ना कुछ तलाश कर रही होती हैं। जोया, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है फराज के साथ, सारे खानदान वालों की रजामंदी के साथ किया है। फराज बहुत अच्छा लड़का है, खानदानी है, शायद अगले महीने तक वो अपनी माँ को लेके पाकिस्तान आ जाएगा, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। इसीलिए हमने तुम्हें फौरन यहाँ बुलवाया है ताकि तैयारियां शुरू हो सके। नानी, कुछ कहना चाह रही हो? जोया, अगर तुम्हें कोई इतराज है तो तुम बता दो। बात सुनो, मेरी औलाद कभी मेरे फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं करती है। और निगो, तुम अगर खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है। जोया, बेटा तुम अंदर जाओ।
जोया, बेटा इसमें रोने की कौन सी बात है? सब लड़कियों की शादी होती है और सब हंसी खुशी घर बसाती हैं, और तुम? अम्मी मुझे फराज से शादी नहीं करनी। बेवकूफी की बातें मत कर जोया, अम्मी ने बहुत अच्छा फैसला किया तुम्हारे लिए, और तुम जानती हो जब वो फैसला कर ले तो फैसले को बदलती नहीं। और फिर फराज में खराबी क्या है? अम्मी बात खराबी की नहीं है, मेरी पसंद की है। खबरदार जो उल्टी सीधी बात की। तुम छोटी सी थी जब तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया, हम दोनों अकेले रह गए थे। अम्मा और अब्बा ने हमें एहसास भी नहीं होने दिया, ना तुम्हें और ना मुझे। तो नाना नानी के एहसान उतारने के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान करना जरूरी है क्या? अगर पापा दुनिया से चले गए तो फिर अल्लाह ताला की मर्जी, मेरा क्या कसूर है? जोया, एहसान का लफ्ज इस्तेमाल करके उनके प्यार की इंसल्ट मत करो, मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है। सॉरी बेटा, तुम्हारे नाना नानी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम पर भरोसा भी बहुत करते हैं, तो क्या उनका भरोसा तोड़ सकोगी तुम? तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोग ये परेशान शक्लें देखकर मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। परेशानी तो पहले ही अपनी जगह पे है, इसमें हमारी शक्लों का क्या कसूर है यार? हम पे क्यों गरम हो रहे हो? तो और क्या, हमने थोड़ी कहा है नानी से कि जोया का रिश्ता फराज से कर दे। या हमने तुमसे कहा था कि जमाने की तमाम लड़कियों को छोड़कर जोया के पीछे पड़ जाओ? कैसे दोस्त हो यार तुम, मेरी मदद करने की बजाय मुझसे बहस के चले जा रहे हो। तुम दोनों को देख नहीं रहा कि मैं कितनी अजियत में जिंदगी गुजार रहा हूं, और ऊपर से जोया ने अपना नंबर तक ऑफ किया हुआ है। जोया मजबूर है साहिल, वो कुछ नहीं कर सकती, नानी का फैसला आखिरी फैसला होता है। और मेरी मोहब्बत? जोया को कभी नहीं छोड़ सकता, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कोई भी कहे। मैं कौरमा बिरयानी तो मटन की ही होगी, और बाकी ये कुछ चिकन और फिश वगैरह के आइटम रख लेंगे। हाँ ठीक है। अरे भाई सही है, ये सब हमने आप पे छोड़ दिया, अब जो भी मुनासिब हो। भाई मीठे में मेरा ख्याल है ताज भाई गुलाब जामुन और फिरनी तो होती है, अब दूध दुलारी हो रसमलाई भी हो जाए तो क्या मजायका है। क्या हो गया तुम्हें, ये सब कुछ नहीं खाना है, शुगर है। अरे मैं अपने लिए कौन सा कह रहा हूँ बेगम, मैं तो मेहमानों के लिए कह रहा हूँ, अच्छी ज़ियाफ़त होगी, अच्छी वाह-वाह होगी। अरे आप देखते रहिएगा, लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। अरे धूम मच जाएगी बेटा के ससुराल में। दुआ कीजिएगा मेरी बेटी खुश और आबाद रहे वहाँ पर। आमीन आमीन। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। आंटी वो जोया से बात करवा देती है, वहाँ शादी के खाने का मेन्यू डिसाइड हो रहा है। क्या मेन्यू भी डिसाइड होना शुरू हो गया? देखो तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, खाना बहुत मजे का बनेगा। कैसी बातें करो यार, पागल हो गए? अल्लाह ना करे कि मुझे उसकी शादी का खाना खाना पड़े। हेलो जोया, कैसी हो तुम? हेलो जोया, जोया तुम सुन रही हो ना, ये सब क्या होने जा रहा है जोया? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। ये हमारी खुशियों का सवाल है जोया, बल्कि हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हें खोकर जिंदा नहीं रह सकता जोया। जोया तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जोया कुछ बोलो तो। जोया चुप क्यों हो? उनको कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती।
उनको आज ही जाके कह दो कि तुम्हें ये मंजूर नहीं है। जोया, हेलो, शुक्र आप गिरी नहीं वरना आपको चोट लग जाती। चोट तो लग गई है मगर शुक्र है आपने बचा दिया। शुक्रिया तो बनता है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपनों का शुक्रिया थोड़ी किया जाता है। अपनों का? ये साहिल है, वेडिंग प्लानर। सबा और इमरान ने भेजा है इसे जोया की शादी में मदद के लिए। वेडिंग प्लानर? अच्छी बात है, अब सारी प्लानिंग के साथ हर चीज होगी, वरना तो यहाँ पर भगदड़ मची रहती है। ये तो है। आप ऐसा करें कि साहिल के लिए गैस रूम खुलवा दीजिए। अम्मा वो साहिल ही जोया की माँ है और ये साहिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश रहो बेटा। क्या बात है बेटा। अब्बा वो फराज और उसकी अम्मी इसी हफ्ते हमारे घर आ रहे हैं, उनका फोन आया था। तुमने उसे देखा नहीं है ना? जब देखोगी ना खुद ही मान जाओगी। अच्छा प्लीज अब मुझे कुछ काम करने हैं, तुम जाओ। जेलस क्यों होती हो जोया? फराज इतना हैंडसम और खूबसूरत नहीं है, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए तुम खुश नहीं हो। बैठो तुम लोग। अच्छा वो नादिया कहाँ है? इस लड़की को तो कोई होश ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह आज तो मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। बैठो। आ जाओ बेटा।
तस्वीर। ये लड़का के सारा वक्त हमारे सर पे मुसल्लत रहेगा। इस तरह खुश रहो, आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। खाना ठंडा हो रहा है, स्टार्ट करो। जो है इस वक्त भी खाने पे नहीं है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? खैर मैं आज ही उसे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मैं तो अपनी बच्ची की तरफ से बहुत परेशान हो रही हूँ। अरे उसकी शादी भी सर पे आ गई है। वो बिल्कुल ठीक है, ले आ गई वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं जरा लेट हो गई थी। बैठो बेटा, खाना खाओ। ये ले आप। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। साहिल, ये जोया है, इनकी शादी हो रही है। और जोया जी, ये साहिल है, वेडिंग प्लानर। तुम्हारी शादी का यही प्लान कर रहे हैं सारा। तुम्हें इमरान और सबा ने बताया तो होगा? नहीं तो। जी जी बताया था। साहिल आप कुछ खा नहीं रहे, ले ना। खामोशी से खाना खाओ, तुम ले लेगा वो। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि खाने के बीच में बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर खाने के बीच में अच्छी अच्छी बातें कर ली जाएं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, बल्कि खाने का मजा और दुबाला हो जाता है और इससे माहौल पर छाई हुई टेंशन भी खत्म हो जाती है। माशाल्लाह, हमारे घर में कोई टेंशन नहीं है और ना ही फजूल बातों के लिए गुंजाइश। हर शख्स आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता आंटी, लोगों के बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं जिसमें बंदा फंसा रहता है। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते। बेटा हम समझ सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन आजकल लोगों को ना समझने की फुर्सत है ना बोलने की। चलें इसी बात में आप लोगों को एक मजे का लतीफा सुनाता हूँ। जोया, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जोया, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। जोया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, मेरी शादी की तैयारियां चल रही है, तुम क्यों आए हो अब यहाँ पे? जोया, मैं यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता? पहला और आखिरी मौका मिला था तुम्हें हासिल करने का, मैं कैसे जाया कर सकता था? जोया, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ जोया, मैं नाना नानी के पास जाऊंगा, उनसे जाकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, मैं किसी भी तरह उनको मनाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पड़ूंगा। जोया, मैं उनको किसी भी तरह मनाऊंगा, और अगर वो तब भी नहीं माने ना तो मैं उनको अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मनाऊंगा। और वो बेचारे मान भी जाएंगे, है ना? डर जाएंगे कि कहीं वो अगर माने नहीं तो मैं उनकी इज्जत खाक में ना मिला दूं, घर से भाग जाऊंगी, कोर्ट मैरिज कर लूंगी या ज्यादा से ज्यादा खुदकुशी तो जरूर करूंगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है जोया, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा ही है साहिल, मैं अपनी मोहब्बत के लिए इन तमाम रिश्तों को कुर्बान नहीं कर सकती। इनकी मोहब्बतों का एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं चुका सकती साहिल, और तुम चाहते हो कि मैं इन्हीं लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करूं।
सोया तुम जज्बाती हो रही हो, ये हमारी भी तो जिंदगी है ना, हमें अपनी जिंदगी के इतने अहम फैसले करने का भी हक नहीं है क्या? बताओ सोहेल, मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बड़ों ने कर लिया और मैं उस फैसले से राजी हूं पूरी तरह। सुन लिया तुमने मेरी बात? तुम्हारी तो तुम्हारी जिंदगी का जो भी फैसला हो तुम कर सकते हो, और मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर ये भी कोई जिंदगी होगी? सोया ये तो ये जिंदगी तो नहीं होगी सोया, ये तो फिर कुछ और ही होगी। साहिल ये कोई 2.5-3 घंटे की फिल्म नहीं है जहां हीरो हीरोइन की बगावती पर लोग तालियां बजाएं। साहिल यहां तो लड़की का एक गलत कदम उसके खानदान का सर हमेशा हमेशा के लिए झुका देता है, खत्म हो जाता है। तुमने मुझे समझने में गलती कर दी साहिल, और उससे भी बड़ी गलती यहां आकर की है। चले जाओ यहां से, इससे पहले कि फराज आ जाए प्लीज चले जाओ यहां से। तू ये क्यों कहे मुश्किल में डाल दिया है शीमा ने। अरे हम तो ये समझे थे कि भाई अपने खानदान के लोग हैं, कोई बनावट नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं होगा, मगर अरे तुम फिक्र ना करो, वो मुसब्बिबुल असबाब है, सब काम हो जाएगा इंशाल्लाह, सबकी इज्जत रह जाएगी। अरे आंटी आप, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आंटी कैसी बात कर रही है, माँ अपने बेटे को शुक्रिया थोड़ी करती है। तो बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी करे, हर खुशी तुम्हें दे अल्लाह। आमीन। अच्छा तुम रेस्ट करो। क्या समझते हो कि तुम्हारी इन हरकतों से घर में जगह बन जाएगी, या तुम मुझे मेरा फैसला बदलने में मजबूर कर दोगे? ऐसी कोई बात नहीं है सोया, तुम अपने ज़हन पर जोर मत डालो, रिलैक्स। तुम झूठ बोल रहे हो साहिल, तुम्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तुम झूठ बोलकर इस घर में आए,
झूठ बोलकर मेरे नाना नानी के दिल में तुमने जगह बनाई। इतनी बार कहा तुमसे कि साहिल चले जाओ, लेकिन तुम नहीं गए। तुम चाहते क्या? कुछ नहीं चाहता जोया। जब तुम कुछ नहीं चाहती तो मैं कैसे कुछ चाह सकता हूं? तो साहिल तुम चले क्यों नहीं जाते? खुदा के लिए चले जाओ यहां से, इससे पहले कि नाना और नानी को हमारे बारे में पता चले, उन्हें तुम्हारी सच्ची झूठी कहानी हकीकत का पता चले। साहिल उन्हें यह पता चले कि तुम यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हो, प्लीज यहां से चले जाओ। गुस्सा मत करो जोया, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। साहिल मुझे बहुत डर लग रहा है। नाना और नानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे साहिल, बहुत हर्ट होंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जोया में कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं तुमसे कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ मैं तुम्हारे लिए यहां पे आया था, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए आया था, कि तुम्हारा इंकार सुनने के बाद मेरा तो यहां रुकना बनता भी नहीं था। पता, मैं सिर्फ और सिर्फ इन हालात की वजह से रुका हूं। मैं नाना नानी को इस तरह परेशान छोड़ के नहीं जा सकता था। वैसे भी मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख भी नहीं सकता। मैं किसी और का होते हुए देख भी नहीं सकता। अरे सीमा और इसके बेटे ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। नखरे नहीं समझ में आ रहे हैं। एक दफा शादी हो जाए ना तो मैं तो सुख का सांस लूं। ये तो होना ही था अम्मा, हाथी पाला है तो दरवाजे तो बड़े करने पड़ेंगे, और अमीरों में रिश्ता किया है कोई आसान काम नहीं है। तुम तो बस चुप ही रहा करो तो अच्छा है। अब क्या हो गया भाई? अरे होना क्या था, शीमा साहिबा है ना। हाँ। अरे ताजुद्दीन के खाने का सुनकर इतनी जोर से चीख मारी है कि मैं तो दहल के रह गई। कह रही है आजकल भी कोई ताजुद्दीन के पके हुए खाने खाता है, और मेरे बेटे की शादी क्या गली में शामियाना लगा कर होगी? है ये नहीं हो सकता भाई, लो भला बताओ। अरे नानी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंतजाम इतना अच्छा होगा कि वो लोग देखते रह जाएंगे। और खाना तो ताजुद्दीन अंकल से बेहतर और कोई नहीं बनाता, खाना तो वही बनाएंगे। नाना बस थोड़ा मेन्यू चेंज है, वो मैंने उनसे बात कर लिया। तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही एतमाद नहीं है? खुद पर नहीं आंटी, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। भाई तुम्हारा तो बड़े लोगों में बैठना है नहीं शायद, और ये जो तुम मिडिल क्लास लोगों की शादियां करते हो उसमें क्या है, थोड़ी बहुत इंतजाम करने होते। नग्गो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपना काम करो लड़के। और सुनो, फराज के घर वाले जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। तो तुम ले लो ना जिम्मेदारी, किसी अच्छी जगह बारात और खाने का इंतजाम कर लो, जो उनके शाया निशान हो। कर लोगे ना? अच्छा मैं जरा चलता हूं, मुझे तैयारियां करनी है। जवाब नहीं दिया तुम दोनों ने। देखो सफीर, जोया भांजी है तुम्हारी, उसका हक है तुम पर।
अब्बा ये कोई 2-4 हजार रुपयों की तो बात है नहीं, लाखों खर्च हो जाएंगे, हम दोनों कहाँ से करेंगे। एक बात बताओ मुझे, अगर उसकी जगह तुम्हारी बेटी नादिया होती तो फिर तुम लोग क्या करते। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं कर लूंगा सब इंतजाम, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोया बेटा क्या सोच रहे बेटा, शाम होने को है, वो लोग आने वाले हैं, तुम तैयार भी नहीं हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। बेटा अब उदास मत हो, आज खुशी का दिन है। बेटा बाहर तो निकल कर देखो, साहिल ने बहुत प्यारा घर सजाया, अम्मा देखकर इतनी खुश हुई। बहुत प्यार करने वाला लड़का है, सबसे मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला। अब मेरा बेटा जल्द से तैयार हो जाए। चलें तो अच्छी बात है ना, कि आपको मेरी फिक्र होना शुरू हो गई है। तुमने मुझे समझने में गलती कर दी साहिब। कहाँ जा रहे हो तुम? थाना, मेरा काम तो खत्म, मुझे तो जाना ही था ना। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, और किसने कह दिया तुम्हें कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है? इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। अंदर माशाल्लाह देखें तो कितना प्यारा सजाया है साहिल ने। हाँ भाई माशाल्लाह। जब इतना अच्छा इंतजाम वो सब खुद कर सकते थे तो फिर हमसे पूछ के हमें क्या जलील करना था? क्या यही मकसद था उनका? तो खामोश हो जाओ, तुम्हारे तो पैसे बच गए ना, खुश हो जाओ। वैसे इतना अच्छा इंतजाम किया है साहिल ने। चुप करो तुम, हर बात पे बोला मत करो। अरे लो वो आ गए। अरे रिसीव कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश। मम्मी आप? हाँ बेटा। क्यों सरप्राइज? क्यों बेटा सरप्राइज ना, तुम क्या समझते तुम ही सरप्राइज दे सकते हो? अरे हम भी जोया के नाना हैं,
हम उससे बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं जो तुम देना चाहते थे। अब सबब ये सब क्या है? मुझसे कुछ ना पूछो। तुम्हें पता है नाना ने मुझे तुम्हारी वजह से इतना डांटा है। उन्होंने कहा मैंने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। तुम दोनों की वजह से हम दोनों बहुत जलील हुए भाई। अब और हिम्मत नहीं। सफीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ये हो क्या रहा है? अरे मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। अरे मैं समझाता हूँ, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा बताओ जरा। भाई बात दरअसल ये है कि फराज के घर वालों ने इतनी कोई फरमाइशें की, इतनी फरमाइशें की कि मैंने सोचा कि मैं चेंज ही कर दूं। तो फिर मैंने अपनी जोया के लिए एक बेहतरीन लड़के का इंतखाब किया है। और वो इंतखाब है साहिल। साहिल? ये इसीलिए यहाँ आया था? अरे तुम तो चुप करो, अच्छा ही हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई। आओ भी, आओ जोया। चाओ। मर के तुझे पा।